तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना का कर्नल उठा लिया, पाकिस्तान के इलाके से अगवा करके उसको अफगानिस्तान ले जाया गया और पाकिस्तान के टॉप जनरल कुछ नहीं कर पाए। जिस तालिबान को कल तक पाकिस्तान कस्में खा खा कर सपोर्ट कर रहा था, उसी तालिबान ने ऐसी स्ट्राइक की है जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान के पीएम दोनों अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं। अब तालिबान ने ऐसी डिमांड रखी है जिसे सुनकर पाकिस्तानी जनरल के होश उड़ गए हैं। इस्लामाबाद को शर्मिंदा करने वाली सबसे बड़ी खबर पर देखिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना का कर्नल अगवा किया कि अगली बार टॉप जनरल को उठा ले जाएगा। पाकिस्तानी सेना के शर्मनाक सरेंडर की यह तस्वीर तालिबान ने जारी की है। इस वीडियो में दो आतंकवादी AK-47 लिए खड़े हैं। उनके सामने बैठकर कैमरे के सामने रुआसी आवाज में बयान दे रहे शख्स का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद खान। ये पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा अधिकारी है जो इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और उनके ऑर्डर पर इस्लामाबाद के लिए वीडियो मैसेज भेज रहा है। तालिबान की डिमांड क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरी खबर समझिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने अटैक किया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद खान अपने दो भाइयों के साथ खैबर के डेरा इस्माइल खान में अपने पिता के जनाजे में शामिल हो रहे थे, तभी तालिबान के लड़ाके आए और उन्होंने इनका अपहरण कर लिया। और अब खबर है कि इन्हें बॉर्डर पर अफगानिस्तान ले जाया गया है। हालांकि शर्मिंदा कर देने वाली इस खबर के बाद पाकिस्तानी पीएम बयान देने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक तालिबान ने अपना एक कमांडर छोड़ने की डिमांड रखी है। इस कमांडर का नाम है लतीफ महसूद, जो पाकिस्तान के ही स्वात का रहने वाला है। लतीफ महसूद को अमेरिका की सेना ने 2013 में अफगानिस्तान से पकड़ा था। इसके बाद 2014 में लतीफ महसूद को अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिया था। दावा है तब से वो पाकिस्तान के किसी जेल में मौजूद है और तालिबान ने उसे छुड़ाने के लिए कर्नल को उठा लिया। लतीफ महसूद के साथ साथ तालिबान ने 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की फिरौती भी मांगी है। ये खबर आने के बाद से पाकिस्तानी लोग अपनी ही सेना पर सवाल खड़े करने लगे हैं। वैसे भी जो आर्मी खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, वो मुल्क को कैसे बचाएगी? पाकिस्तानी कर्नल का वीडियो जारी करने के साथ साथ तालिबान ने एक धमकी भी दी। ये खबर आने के बाद से इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान में हल्ला है, अगर तालिबान ने खैबर में आकर पाकिस्तानी कर्नल को अगवा कर लिया तो अगली बार वो इस्लामाबाद आकर पाकिस्तानी जनरल को भी उठा सकता है। पाकिस्तान की संसद में भी इस पर चर्चा चल रही है। पाकिस्तानी सेना खुद को तालिबान से ताकतवर मानती है, लेकिन अपने कर्नल का वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी जनरलों का ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया है। दावा है कि अब पाकिस्तानी सेना अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए तालिबान की हर डिमांड मान लेगी। अभी पाकिस्तान में हर तरफ आग लगी हुई है। कभी बलूचिस्तान में पाक सेना पर हमला होता है तो कभी तालिबानी अगवा कर लेते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सेना अपने मुल्क में ही सुरक्षित नहीं। रिपोर्ट जी मीडिया।